लेकिन पाजी एक चीज़ है जिसकी तैयारी बहुत मुश्किल है अगर आपने वो चीज़ पहले ना की हो, क्योंकि शेयर चैट जो है अंग्रेजी के अलावा 15 भाषाओं में उपलब्ध है और बहुत सारे हिंदी भाषी लोग भी हैं, करोड़ इनफैक्ट 16 करोड़ लोग इस ऐप पर ऑलरेडी हैं, उसमें से ज़्यादातर हिंदी भाषी लोग हैं। तो किसी भी हिंदी भाषी प्लेयर के लिए 16 करोड़ लोग, सर इंडिया का सबसे बड़ा होम ग्रोन ऐप है, भारत सोशल मीडिया में भी आत्मनिर्भर बन रहा है। तो अच्छा एक चीज लगा। है जिसकी तैयारी करना मुश्किल है खासकर किसी हिंदी स्पीकिंग प्लेयर के लिए, वो है अंग्रेजी बोलना। ऐसा कि आपने किसी पोस्ट मैच इंटरव्यू में टोनी ग्रेक का नाम चेंज कर दिया था? नहीं ऐसा तो नहीं, मैंने टोनी ग्रेक का नाम चेंज कर दिया, बट ये जरूर किस्सा हुआ था कि मेरा जो पहला मैन ऑफ द मैच मिला मुझे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैंगलोर में 2001 में, हाँ उसमें मैंने रिक्वेस्ट डाली कि भाई गोरे को ना भेजें ताकि गोरा को इंटरव्यू ना ले, अगर रवि शास्त्री ले ले तो अच्छा होगा, क्योंकि रवि शास्त्री मुझसे हिंदी का सवाल पूछ लेगा। तो ये रिक्वेस्ट तो मान ली मेरी बीसीसीआई जो भी प्रोडक्शन कंपनी थी कि उन्होंने रवि शास्त्री को माइक दे दिया कि वो ही पोस्ट प्रेजेंटेशन करेंगे। तो जब मैं गया मैं मैच लेने, मैंने मैच किया और मैं रवि शास्त्री के बगल में खड़ा हुआ माइक लेके, तो मुझे लगा हिंदी में पूछेगा, उन्होंने पहला ही सवाल मुझसे अंग्रेजी में पूछ लिया। तो वो बड़ी मेरे लिए बड़ा वो हो गया। तो मैंने हालात जितनी टूटी फूटी मिल जाती थी बोली, और उसके बाद उनको बोला कि भाई आप हिंदी में मुझसे पूछें, तो फिर उसके बाद उन्होंने हिंदी में मुझसे पूछा सवाल। तो बट ये ज़रूर है कि हम जैसे खिलाड़ी जो छोटे बैकग्राउंड से आते हैं या छोटे शहरों से आते हैं, उनकी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं होती, उतने समय लगता सीखने में, वो एक पड़ाव था मेंटल, वो भी एक मेंटल चैलेंज था हम लोगों के लिए। बट आज की डेट में हर, आप आईपीएल देखो, हर बच्चा अंग्रेजी अच्छी बोलता है क्योंकि आप पहले से ही प्रिपेयर होकर आते हो और आप कन्वर्सेशन करते हो आईपीएल में फॉरेन प्लेयरों के साथ, बातें बातें करते हो, तो उसमें अब उतना मुश्किल नहीं। बट हाँ हमारे टाइम में वो एक चैलेंज था, उस चैलेंज को भी पार करना, कभी कभी तो ये लगता था यार आज मैन ऑफ द मैच बन सकते तो जल्दी आउट हो जाओ, वरना मैन ऑफ द मैच मिला तो अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। तो ये भी हुआ है हमारे साथ। तो लेकिन आज के टाइम के लिए मुझे नहीं लगता कि आज ऐसा होगा, आज सब बिंदास खेलते हैं और अपना काम करते हैं। एक और चीज़ नहीं हुई आपकी ज़िंदगी में जब आपने रन बनाया इंडिया के लिए मैचेस जीते, वो था एड्स को शूट करना। आपने सचिन पाजी के साथ स्पोर्ट्स शूज का ऐड किया, तो जब आप खुद की होर्डिंग देखते थे जहाँ भी जाते थे तो दिल पर हाथ रख के बताइए पाजी कैसी फीलिंग, मतलब गुदगुदी होती थी कि अरे वाह मेरी शक्ल होर्डिंग पे, ये होता था? यार हमने तो जब हम नजरगढ़ में रहते थे हमने तो भगवानों के ही पोस्टर देखे, तो मुझको अपना पोस्टर देख के लगा अपने चे भगवान है। तो यही फीलिंग आती है यार, हम भी भगवान बन गए, हमारी फोटो लगने लग गई है बड़े बड़े होर्डिंग पे। नजरगढ़ में एक एडिडास की जिसकी आप बात कर रहे हो शूज ब्रांड की, तो उन्होंने पूरे नजरगढ़ में जब आप एंटर करते हो तो एक बहुत बड़ा पोस्टर लगाया था वीरेंद्र सहवाग का, एडिडास ब्रांड एम्बेसडर का, तो वो देख के तबीयत खुशी जाती थी। मतलब कभी सोचा नहीं था कि हम लोग पहले तो क्रिकेट में भारत के लिए खेलेंगे और फिर खेलेंगे तो उसके बाद किसी इंटरनेशनल ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, तो ये तो एक बहुत प्राउड मोमेंट थी मेरे लिए। तो मज़ा आया मुझे वो देखकर कि मैं एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर। वैसे एक और ऐड आपने किया था जहाँ पे द ऐश्वर्या राय जिनको आपका उस ऐड में चेहरा नहीं दिखाता, उन्होंने पीछे से कहा खुद को सहवाग समझते हो, याद है वो? मैंने कहा हाँ, मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल याद है। 2003 वर्ल्ड कप के लिए हमने वो ऐड बनाया था, बट उस समय एम्बुश मार्केटिंग थी तो पेप्सी स्पॉन्सर था वर्ल्ड कप का और मैं कोका कोला का ब्रांड एम्बेसडर, तो वो ऐड दिखा नहीं पाए, वो ऐड चल नहीं पाया, तो डब्बे में चला गया। बट वो मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है। उस ऐड की कहानी ऐसी थी कि मेरा शॉट्स जो था वो अर्ली मॉर्निंग के थे और मैंने सारे शूट कर लिए थे 9 बजे तक मैंने शूट कर लिया था, उसके बाद मुझे फिर ऐश्वर्या राय के साथ शॉट करना था। तो आप इमेजिन कीजिए मैं 9 बजे अपनी वैनिटी वैन में बैठा हुआ इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा चलो ऐश्वर्या राय जी आ गई होंगी मेकअप करके, 9 की जगह वो 10 बजे तक आ जाएंगी। वो दोपहर में 4 बजे बाहर निकली और जब वो आई तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको 9:30 बजे आना था और अब 4 बजे आप ऐसा क्या कर रहे थे? तो उन्होंने कहा मैं मेकअप कर रही थी। मैंने कहा आपको भी मेकअप की जरूरत है? आप मेकअप में इतना टाइम लगा के आए हैं, आपको भी मेकअप की जरूरत है? तो खैर चलो वो तो उन्होंने जो टाइम लिया। उसके बाद वो जो एक शॉट था जो मुझे ऐश्वर्या राय पीछे से आती हैं बोलती हैं और मुझे पलट के बोलना होता है, तो उस डायलॉग के मैंने कम से कम नहीं तो 100 रिटेक करवाए।
और ऐशो राय मुझे यार छोटा सा तो डायलॉग जल्दी बोल दो। मैंने कहा आपको भी तो थोड़ी देर में तो मेकअप हो जाना चाहिए था, आप तो 4 घंटे लगा गए।